वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है पे मैनेजर बिल के बारे में। यहां पर अगस्त महीना और सरेंडर बिल 15 डेज का बिल है। यहां पर पीएल सरेंडर का बिल मैंने 6 तारीख को बनाए थे परसों, और आज बिल पास बता रहा है। यहाँ पर टोकन नंबर भी जारी हो गया है, सभी बिल बनाए हुए सभी पास हो गए। दोस्तों, आपको पे मैनेजर पर बिल किसी भी टाइप का बनाना हो, चाहे वो बिल सैलरी एरियर का हो, चाहे सरेंडर का बिल हो, तो 1 से 15 तारीख के बीच बना लें, क्योंकि अगर आप 1 से 15 तारीख के बीच चूक गए तो आपको नेक्स्ट महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या है, सैलरी एड प्रोसेस में एम्प्लॉय की जो पे डिटेल्स होती है यहाँ पर वो चली जाती है इन प्रोसेस, सैलरी प्रोसेस में चली जाती है। सैलरी प्रोसेस में चली जाने से यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय को सर्च करेंगे किसी भी टाइप की डिटेल्स लेने के लिए, तो वो एम्प्लॉय यहाँ पर पे डिटेल ही नहीं है तो आपको वो एम्प्लॉय सर्च बार में नहीं आएगा और फिर वो बिल उस समय रुक जाएगा। ये सरेंडर बिल है 15 डेज, ये पास हो गए और ये हो सकता है मंडे को भी छुट्टी है कल, लेकिन ट्यूसडे तक ये बिल हो सकता है अकाउंट में जमा हो सकते हैं। सभी सरेंडर के ही बिल हैं ये, सरेंडर बिल 15 डेज, इसकी सरेंडर रिपोर्ट 15 डेज इनर भी आप यहाँ से देख सकते हो डाउनलोड करके। अगस्त बिल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, फॉर एग्जांपल इस बिल को सेलेक्ट किया और यहाँ पर आ गया बिल नंबर। जो एटो प्रोसेस सिस्टम है वो केवल सैलरी के लिए है, बाकी सभी बिल मैनुअल है। जैसे पहले अपन प्रीवियस प्रोसेस करते थे उसी टाइप से प्रोसेस करना है। यहाँ पर ये बिल की इनर रिपोर्ट ओपन, इस एम्प्लॉय का 41,600 सरेंडर है। सरेंडर में डिडक्शन नहीं होता, ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। पे मैनेजर हो चाहे प्री पे मैनेजर हो, सेम प्रोसेस है इसका। ये बेसिक प्लस DA का 50% होता है और यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर भी किए हुए शो कर रहे हैं। और ये बिल 28% DA जो नया आदेश हुआ है अभी 1 जुलाई से लागू हुआ है, 28% DA ऐड करके बनाए गए हैं। और अगस्त की सैलरी के साथ तो उनको HRA भी 9% जुड़ के मिलने वाला है। यहाँ पर HRA जुड़ चुका है, मैंने तो चेक वेरीफाई भी कर लिया है। इसको आप भी अपने एम्प्लॉय पे डिटेल लॉगिन कर चेक कर सकते हैं प्रत्येक एम्प्लॉय का। हालांकि ये एटो जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अपन को चेक करना ज़रूरी है किसी एम्प्लॉय के कोई प्रॉब्लम की वजह से, हो सकता है नहीं भी जुड़ा हो तो एक बार इसको चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि ये 15 तारीख बाद तो एम्प्लॉय पे डिटेल मिलने वाली नहीं है। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।